नमस्कार, 24 का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अभी सिर्फ 6 प्रत्याशी ही घोषित किए हैं। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक वैज ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीईसी की बैठक के बाद बचे हुए 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। देश की जनता बदलाव चाहती है। बाकी राज्यों की सीईसी की बैठक है। मैं समझता हूं जो बाकी ऐसे नाम छत्तीसगढ़ के 5 नाम अभी शेष हैं उनमें मुझे लगता है कल चर्चा होने के बाद कल शाम तक संभवतः ऐलान हो जाएगा। तो आपको बता दें, आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने महज अभी तक 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 5 सीटों पर अभी भी असमंजस बरकरार है। 5 सीटें वो कौन सी होगी जिन पर प्रत्याशियों का चयन होगा ये अभी तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक वैज ने कहा है सीसी की बैठक के बाद जो इन 5 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन 5 सीटों पर जो संभावित नाम हो सकते हैं वो आपको दिखा रहे हैं बस्तर से। और दीपक वैज ने बीजेपी पर तंज भी कसा है, चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कि भारतीय जनता पार्टी हमारे 6 प्रत्याशियों को देखते हुए इतना बौखला गई है, इसीलिए व्यक्तिगत हमले पे पहुंच गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे बात नहीं करते, तो समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। और जो आने वाला समय में जो हमारे 5 प्रत्याशी आने वाले हैं, घोषित होने वाले, वो भी बेहतर और जबरदस्त रहेंगे। बोल रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक वैद, जिन्होंने अपने अभी 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तक नहीं किया है, लेकिन जीत की हुंकार भरते नजर आ रहे हैं दीपक वैद। तो आप देख सकते हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया, लेकिन बगल में हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो संभावित नाम बता रहे हैं जो हो सकते हैं कि ये फाइनल हो। बिलासपुर से विष्णु यादव का नाम चर्चाओं में चल रहा है, सरगुजा से शशि सिंह का नाम दौड़ में है, रेश में है। और बात की जाए तो रायगढ़ से मेनका सिंह का नाम पैनल में सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर माना जा रहा है। वहीं बात करें बस्तर से तो मौजूदा सांसद और पीसीसी चीफ दीपक वैज के नाम पर ही अटकलें लगी हुई हैं। कांकेर से वीरेश ठाकुर का नाम चर्चाओं में है। और फोनलाइन पर हमारे साथ जो है रायपुर से हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हैं। दामिनी, बात की जाए तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव की तारीखों के लिए, लेकिन बात की जाए यहां पर कांग्रेस ने अभी भी महज 5 प्रत्याशियों पर संशय बरकरार रखा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में क्या कांग्रेस के जो दीपक वैज हैं, पीसीसी चीफ हैं, जो जीत का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की इस बार छत्तीसगढ़ में विजयी होगी, इनके दावे और वादों में और प्रत्याशी चयन में अभी तक जो लेटर थे उसको मानकर क्या माना जाए? क्या विजय श्री कांग्रेस हासिल कर पाएगी छत्तीसगढ़ में? दामिनी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए, आप बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये बातें कही जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक वैज का आज ही एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कल देर शाम तक जो है कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होगी। आपको बता दें कि दूसरी सूची में 5 लोगों के नाम जो है वो सामने जो है वो दिए जाएंगे, और इसमें जो है सबसे ज्यादा खास ये माना जा रहा है, क्योंकि दीपक वैज ने ये भी खास कहा है कि इस बार जो 5 नाम होंगे उनमें युवा चेहरा साथ ही जो मजबूत कैंडिडेट है उनको मौका दिया जाएगा, और आने वाले समय में 11 की 11 लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस अपने खाते में लेकर आएगी। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो सूची कल आने वाली है वो बेहद ही चौंकानेजनक वाली होगी, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में जीत का जो एक तरह से मंत्र है वो जो कांग्रेस पार्टी है वो देगी। आपको बता दें कि लगातार सस्पेंस जो है वो बरकरार है कि आखिर सूची में किनका नाम शामिल होगा और किन की टिकट जो है वो कट सकती है, क्या पुराने चेहरों को मौका दिया जाएगा या नए चेहरों पर कांग्रेस जो है वो दाव खेलेगी। तो बेहद ही खास कल का वक्त जो है कांग्रेस पार्टी के लिए भी होने वाला है, साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी होने वाला है, जिससे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की जीत या हार का जो समीकरण है वो जो है बनता नजर आएगा।
चलिए दामनी देखना होगा, इन 5 सीटों पर प्रत्याशियों का इंतजार हमें भी है, आपको है और पार्टी को भी है। देखना होगा कौन से वो 5 शहर होंगे जो इन बची हुई 5 सीटों पर चुनाव मैदान होंगे। फिलहाल के दामनी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।